अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों, मैं अतीक अहमद, और आज एक बहुत दिल दहलाने वाली बात, खबर सलमान खान की तरफ से मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। और इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा पब्लिक करना, शेयर करना, क्योंकि बात हमारे मजहब हमारे इस्लाम की है। सलमान खान ने बहुत ज्यादा दिल दुखा दिया, और अगर आपका दिल दुखे या न दुखे, लेकिन मैं एक मुसलमान हूं, मेरा दिल बहुत ज्यादा दुखा है। मामला ये, सलमान खान का शो नच बलिए पिछले कुछ दिन से चल रहा था, लेकिन वो छोटी मोटी उलझनों की वजह से चल नहीं पा रहा मेरे भाइयों। तो सलमान खान ने एक बहुत गलत फैसला लिया और बहुत बड़ा फैसला लिया। फैसला उन्होंने ये लिया कि नच बलिए के शो में उन्होंने मदरसे के बच्चों को बुला के कुरान पाक पढ़वाए वहां पर। तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। और उन्होंने कुरान पाक क्यों पढ़वाए? कुरान पाक उन्होंने इसलिए पढ़वाए कि वहां पर छोटे मोटे किसी ना किसी के एक्सीडेंट हो रहे थे, कभी किसी की टांग टूट रही थी, कभी किसी का हाथ टूट रहा था, और कभी कोई उनका करीबी बीमार पड़ रहा था। अब मामला ये है कि उन्होंने इसको लेकर इतना बड़ा फैसला क्यों किया? चलिए मैं मानता हूं सलमान भाई को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। तो क्या वो जिस मदरसे से बच्चे आए, क्या वहां के काजी साहब को, वहां के मौलाना साहब को ये बात नहीं पता कि हमारे कुरान पाक को ऐसे बेहुदा जगह पर, ऐसे बेहुदा शो में कुरान पाक बिल्कुल भी नहीं पढ़े जाता? आप बताइए क्या ये सलमान खान ने ठीक किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं बिल्कुल खिलाफ हूं सलमान भाई के, बिल्कुल खिलाफ हूं। सलमान ने ये फैसला बहुत गलत लिया। अगर उनको कराना ही था, कुछ और कराते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये क्यों करवाया? तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और उन्होंने ये बहुत ज्यादा दिल दुखाया है, मेरा दिल बहुत अंदर से दुख रहा था, इसलिए मैंने वीडियो बनाई और आप तक पहुंचाई। अब आपका काम है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे तक पहुंचाइए, क्योंकि सलमान खान ने बहुत ज्यादा दिल दुखाया है ऐसे घटिया बेहूदे शो में कुरान पाक को पढ़वाकर। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना।